हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर के ही सामान से बनकर तैयार हो जाता है। ना इसमें हम बेसन डालेंगे और ना ही मैदा, इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। ये नाश्ता बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी, टेस्टी और झटपट बन जाता है। बाउल में 1.5 कप गेहूं का आटा लेंगे। इसमें 1/4 कप सूजी डालेंगे और 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथ में इस तरह से लेकर हल्का सा क्रश करके डालेंगे। 1/4 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, इसमें तिल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 कप तेल, इसे गरम नहीं करना है। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और इसमें मोयन इतना होना चाहिए कि इस तरह से मुठिया बन जाए। 1 चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही डालेंगे और इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे ताकि इसमें खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे। इस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि आटा सूखे नहीं, तो इस तरीके से आप चारों साइड से अच्छी तरह से लगा ले तेल को और इसे 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, 15 मिनट हो गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट डो लगाया मैंने। डो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। इसे 2 भाग में कर लेंगे और इसकी बड़ी बॉल बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये एक बॉल बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से हम दूसरी बॉल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे तेल लगाएंगे ताकि आटा चिपके नहीं, तो इस तरीके से हाथ से स्प्रेड कर लेंगे और इसकी हम एक बड़ी रोटी बना लेंगे। इस पे भी हम तेल लगा लेंगे थोड़ा सा और हाथ से चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। इस पर थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से फैला देंगे। अब ये देखिए, इसे हमें इस तरीके से कॉर्नर से फोल्ड करना है और इसका हमें टाइट रोल बनाना है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे फोल्ड करें और इसे पूरा हमें कवर करना है और अच्छी तरह से आप इसे दबाते हुए टाइट रोल बनाएं। इसे इस तरह से सभी जगह से एक जैसा कर लेंगे। बीच में थोड़ा सा मोटा हो गया है तो इस तरीके से हम इसे दबाकर और एक जैसा कर लेंगे रोल को। अब हम इसके 5 भाग कर लेंगे। इस तरीके से 5 भाग में हम इसे बराबर काट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे हल्का सा प्रेस करना है और ये देखिए, इस तरीके से हमें सभी पेड़े बनाकर तैयार करना है। अब इन पर भी हम हल्का हल्का सा तेल लगाएंगे। पांचों बॉल्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे।
अब हम इसकी फिर से बड़ी रोटी बना लेंगे। अब हम चाकू या कटर की मदद से जो रोटी के एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं उसे हम हटा देंगे। तो ये देखिए, इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। इसकी अब हम पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो आपको इसे जिस शेप में बनाना है आप उस शेप में इसे बना सकते हैं। मैं इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट रही हूँ। और ये देखिए, इसे हम तीन भाग में इस तरीके से काट लेंगे। तो आप इस तरीके से सभी बनाकर तैयार कर लें। तो मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ। इसे हमें सुखाना नहीं है, हम इसे डायरेक्ट ही फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें सभी स्ट्रिप्स इस तरीके से डालकर फ्राई कर लेंगे। अभी हम 2 मिनट गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो कच्चा नहीं रहे। अब गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका हल्का सा गोल्डन येलो कलर हो गया है और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। ये देखिए, आसानी से टूट रहे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, दिखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं।